गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम लोग 12th अकाउंट्स की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं डेली रूटीन में आप लोगों को इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस सेंड करता रहूँगा। यूट्यूब पर आप लोगों को इन क्लासेस को देखना है, रीड करना है और नोटबुक आप लोगों को अलग से बनाना है। नोटबुक अगर आपके पास नया हो तो इट्स ओके, नहीं हो तो जो भी पुराने नोटबुक में कहीं भी पेज खाली है तो आप लोग उस नोटबुक में इन सारे टॉपिक को जो भी मैं देता चलूँ उन्हें लिखेंगे, क्वेश्चंस भी जो मैं आपको देता चलूँ उन्हें करते चलेंगे। डेली आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे जिनको आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करना रहेगा। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली रूटीन में जो भी वीडियो आप लोग देखें कितना समझ में आया उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें वीडियोस को। देखिए, हम लोगों को नहीं पता है कि लॉकडाउन कब खुलेगा और लॉकडाउन खुलने के बाद भी एक इश्यू ज़रूर रहेगा कि हो सकता है कि क्लासेस को शुरू होने में हमें कुछ दिन लगे। तो जो टाइम हम लोगों को मिल रहा है, एक अच्छा खासा टाइमिंग पीरियड हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग इसको पूरी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें ताकि हम लोग ना बेटा यहाँ पर प्री प्रिपरेशन लेकर चले 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 12th का सिलेबस क्या है, पहले तो ये समझ लेंगे 12th अकाउंट्स का हमारा बेसिक सिलेबस क्या है। तो आज हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टॉपिक रहेगा, क्या कुछ रीड करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। 12th अकाउंट्स में आपको रीड क्या करना है उस टॉपिक को पहले आप लोग यहाँ समझ लें। देखिए, एक बिजनेस को करने के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना था कि आपको कंटेंट समझ में आया हमें 12th में रीड क्या करना है। कभी भी अगर आप लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो एक बिजनेस को करने का तीन वे होता है। इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने व्यावसायिक प्रबंध में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रीड करा होगा। या तो आप लोग ना बेटा एकांकी व्यापार बना सकते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हैं, या आप लोग साझेदारी बना सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, या फिर आप लोग ना कोई भी कंपनी बना सकते हैं। आपको याद आए तो आपने पढ़ा हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस स्टडी में, एक बिजनेस करने के तीन मेन कैटेगरी होती है। एक तो एकांकी व्यापार, एकांकी व्यापार का मतलब ये होता है कि यहाँ बिजनेस करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होता है, जो भी लाभ होता है या जो भी हानि होती है वो सारी इस एक व्यक्ति की होती है। आप लोगों ने 11th में जो अकाउंटिंग पढ़ी है ना बेटा, वो अकाउंटिंग आप लोगों ने एकांकी व्यापार के लिए पढ़ी है। टेक्निकली एकांकी व्यापार में आप लोगों के लिए जो भी लाभ हानि होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक जने का होता है, तो वो सारा लाभ और हानि बेटा उस एक जने को दे दिया जाता है। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है, याद हो तो हम लोग साल के अंत में बैलेंस शीट में उस बंदे की कैपिटल में एड या लेस कर देते हैं। तो आपने जो अकाउंटिंग करना सीखा है ना बेटा, वो है एकांकी व्यापार का। लेकिन अगर आप लोग मान लीजिए कभी सीए बन गए या एक अकाउंटेंट बन गए ऐसी जगह जहां साझेदारी है, साझेदारी का मतलब क्या होता है तो याद आए तो साझेदारी वो होती है बेटा जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पर्सन कोई मिलकर बेटा कोई बिजनेस करते हैं तो उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। बेसिकली अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अब जो प्रॉफिट भी हमारे लिए होगा, मान लीजिए बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये 10,000 रुपये का प्रॉफिट किसी एक जने में तो नहीं बटेगा ना, वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट उन दो या दो से अधिक जनों में हम लोगों को बांटना पड़ेगा। तो हम लोग 12th में एक तो पढ़ेंगे साझेदारी की अकाउंटिंग करना। साझेदारी की अकाउंटिंग का मतलब बेटा जब आप लोगों के लिए कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोगों के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन बेटा मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरीके से वो आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे, वो सारी स्टडी बेटा हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। फिर आएगा बेटा हमारे लिए अगर कंपनी हो, याद है तो कंपनी क्या होती है, कंपनी में बेटा अनेक व्यक्ति मिलते हैं, हजारों लाखों जने मिलकर ना बेटा व्यवसाय चलाते हैं, उसमें किस तरीके से वर्किंग होती है उसको हम लोग रीड करेंगे। डिटेल से हम लोग इनको देखेंगे, मैं तो सिर्फ व्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ जो 12th में रीड करना है ना, वो बेसिकली अलग अलग बिजनेस के बारे में स्टडी करना है, जिसमें सबसे मेन एक तो आएगा साझेदारी के बारे में अकाउंटिंग करना हम लोग सीखेंगे और एक बेटा हम लोग कंपनी के बारे में अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो दो जनों के बारे में सबसे मेन हम लोग यहाँ अकाउंटिंग करना सीखेंगे, एक रहेगा साझेदारी और एक रहेगा बेटा हमारे लिए कंपनी। तो हमारे पास था बेटा टोटल 12 चैप्टर रीड करने हैं अकाउंट्स में। 4 चैप्टर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे लिए साझेदारी से रिलेटेड रहेंगे और 2 चैप्टर हमारे लिए कंपनी से रिलेटेड बेसिक में रहेंगे। ये हमारे लिए 6 चैप्टर का कंटेंट रहेगा। यहाँ हमारे लिए 12 चैप्टर में हम लोग 4 चैप्टर साझेदारी से रिलेटेड कहें तो हम लोग ना सबसे पहले तो साझेदारी का आधारभूत परिचय को बेटा सामान्य परिचय को यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिक अकाउंटिंग यहाँ साझेदारी में कैसे होती है,
तो हम लोग ना सबसे पहला जो टॉपिक बेटा यहाँ पर रीड करेंगे वो हमारे लिए साझेदारी का सामान्य परिचय रहेगा। बेसिक अकाउंटिंग किस तरीके से साझेदारी में की जाती है उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। उसके बाद ना बेटा अगर साझेदारी चेंज हो तो कैसे अकाउंटिंग होगी। अब चेंज कैसे हो, या तो कोई नया साझेदार आ जाए या कोई नया कोई साझेदार छोड़कर चला जाए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई नया साझेदार आए तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। तो जब भी कोई नया साझेदार बेटा व्यवसाय में प्रवेश करता है तो किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे उसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगर कोई साझेदार छोड़कर जाए, देखो छोड़कर दो तरीके से जा सकता है, या तो वो फर्म से रिटायर्ड होकर चला जाए हमारे बिजनेस से, या उसकी मृत्यु हो जाए। तो दोनों तीन चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेटा ना साझेदार की निवृत्ति व मृत्यु। निवृत्ति का मतलब होता है बेटा रिटायर्ड होकर के, ठीक है वो फर्म छोड़कर जाना चाहता है, या उसकी डेथ हो जाए, तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी उसे हम लोग पढ़ेंगे। और एक आखिरी साझेदारी में हम लोग अकाउंटिंग करना सीखेंगे कि अगर कभी साझेदारी व्यवसाय बंद ही करना पड़े तो अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, जिसे ना साझेदारी का समापन कहा जाएगा। साझेदारी के समापन की अकाउंटिंग करना हम लोग सीखेंगे। चार चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि बेटा हमारे लिए साझेदारी से रिलेटेड है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जिसमें पार्टनरशिप का सामान्य परिचय, बेसिक अकाउंटिंग साझेदारी में कैसे होती है वो पढ़ेंगे। नया साझेदार व्यवसाय में आए तो अकाउंटिंग कैसे होगी उसे पढ़ेंगे। कोई साझेदार फॉर्म को छोड़कर चला जाए, चाहे वो रिटायर्ड हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो अकाउंटिंग करना सीखेंगे। वहीं अगर साझेदारी फॉर्म का बेटा हमारे लिए समापन हो जाए, साझेदारी व्यवसाय को हमें बंद करना पड़े, तो अकाउंटिंग करना हम लोग सीखेंगे। ये चार चैप्टर हमारे लिए साझेदारी से रिलेटेड रहेंगे। ये चारों चैप्टर हम लोग पहले ऑनलाइन क्लासेस में करने का टारगेट रखेंगे। थोड़े से टफ है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए जितना टाइम हम ऑनलाइन पर ले पाए उनको हम लोग फिनिश करने का टारगेट रखेंगे। हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, मतलब पहला आया तो दूसरा आएगा, पहले दूसरे से हमें तीसरे का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, और आखिरी में हमारे लिए फोर्थ चैप्टर, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है, एक दूसरे को हम लोग अच्छे से समझेंगे तो आगे से आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद बेटा हम लोग दो चैप्टर रीड करेंगे कंपनी से रिलेटेड। आपको अगर याद आए ना तो आपने व्यावसायिक प्रबंध में पढ़ा होगा कि कंपनी की अकाउंटिंग अगर हम लोग करते हैं तो कंपनी में ना बेटा अंश होते हैं, कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है, जिसे हम लोग अंश कहते हैं। डिटेल्स हम लोग सब आगे देखेंगे, मैं तो सिर्फ व्यू दे रहा हूँ चैप्टर का। शेयर जिसे हम लोग कहते हैं, उसी तरीके से एक चीज बना बेटा हमारे लिए यहाँ पर डिबेंचर होते हैं, ऋण पत्र होते हैं। तो यहाँ अकाउंटिंग करना आप सीखोगे कंपनी में दो चीजों की। कंपनी लेखे कर बेटा हमारे लिए चैप्टर आएगा, जिसमें ना हम लोग दो चीजें सीखेंगे। एक, अगर आप अंशों का निर्गमन करो या ऋण पत्रों का निर्गमन करो, सर ये क्या होते हैं सब आगे डिटेल से बताऊंगा। इनका अगर निर्गमन किया जाए तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी उसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आखिरी में कंपनी में मेन चीज पढ़ेंगे कि कंपनी के वित्तीय विवरण कैसे बनते हैं। वित्तीय विवरण का मतलब होता है ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट टेक्निकली। तो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट एकांकी व्यापारी में तो आप बनाकर आए हो, वो तो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। साझेदारी के यहाँ आप लोग इसी में पढ़ लोगे, साझेदारी के चैप्टरों में ही, लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरण थोड़े अलग तरीके से बनते हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे, जिसे कहा जाएगा कंपनी के वित्तीय विवरण। एक परिचय कर हमारे लिए चैप्टर रहेगा, कंपनी के वित्तीय विवरण से रिलेटेड हमारे लिए परिचय रहेगा। देखो ये आपका आधा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा इन छह चैप्टर के साथ। चार चैप्टर में तो हम लोग साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे, साझेदारी का सामान्य परिचय, नया साझेदार आए तो क्या होगा, कोई साझेदार छोड़कर जाए तो क्या होगा, निवृत्ति या मृत्यु होने पर, साझेदारी का समापन होने पर कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, कंपनी के लेखे किस तरीके से तैयार की, फिर दो चैप्टर कंपनी के लेखे दो केस में, अगर आप अंशों का निर्गमन करो तो अकाउंटिंग कैसे होगी, या ऋण पत्रों का निर्गमन करो तो अकाउंटिंग कैसे होगी। उसके बाद कंपनी के वित्तीय विवरण पढ़ेंगे, वित्तीय विवरण इसके ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट कैसे बनते हैं टेक्निकली उसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीन अलग अलग व्यवसाय के कुछ स्वरूप हैं, उनकी अकाउंटिंग करना आपको सीखना है। एक आएगा आपका संयुक्त साहस का लेखा। संयुक्त साहस बेटा ना, संयुक्त साहस को हम लोग ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर में किस तरीके से हमारे लिए अकाउंटिंग, सर ये ज्वाइंट वेंचर होता क्या है ये आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे, आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। संयुक्त साहस खाते, जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे।
ये एक व्यवसाय के एक अलग ही स्वरूप होता है। इसमें अकाउंटिंग कैसे की जाती उसको पढ़ोगे, फिर एक और व्यवसाय का अलग स्वरूप जिसे कहेंगे प्रेक्षण खाते, कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग यहाँ पर बनाना सीखेंगे, ये भी एक व्यवसाय का एक अलग स्वरूप है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक हम लोग साथ ही पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हो, सिर्फ समाज सेवा करना आपका मकसद है, आपका किसी तरह का ना तो लाभ कमाना मकसद है ना ही कोई हानि कमाना आपका मकसद है, तो उसे कहा जाता है गैर व्यापारिक संस्थाएं। गैर व्यापारिक संस्थाएं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे। पेशेवर व्यक्ति जो माल नहीं खरीदते, वैसे जैसे डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, ये सिर्फ सर्विस आप लोगों को देते हैं, तो इन पेशेवर व्यक्तियों के यहाँ लेखे कैसे होते हैं उससे हम लोग रीड करेंगे। देखो नौ है ना, नौ में से आपको कुछ नहीं, अलग अलग बिजनेस के बारे में पढ़ना है, चार चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, दो चैप्टर कंपनी के बारे में पढ़ना है, ये तीनों अलग अलग है। जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग करना सीखेंगे, कंसाइनमेंट प्रेक्षण में अकाउंटिंग करना सीखेंगे, वो व्यक्ति जो किसी तरह का बिजनेस नहीं करते हैं उनके किस तरीके से अकाउंटिंग होगी उसे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद बेटा हमारे लिए एनालिसिस करना आएगा। एनालिसिस करने का मतलब होता है बेटा विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है कि देखो हम लोगों ने वित्तीय विवरण सब बना लिए हैं, वित्तीय विवरण बनाने का मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बेटा हम लोगों ने बना लिए, तो ये चेक तो करेंगे ना कि यार पिछले साल की तुलना में लाभ बढ़ा या कम हुआ है, किस किस चीज पर खर्चा ज्यादा आया है कम आया है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखेंगे तो अगले साल के लिए हम लोग एक अच्छे तरीके से अनुमान लगा पाएंगे कि हमारे लिए बेटा ना यहाँ पर पिछले साल के कंपेरेटिव कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्या कमियां हैं, किन कमियों को दूर करना है। जैसे हमारा रिजल्ट आता 10वीं 11वीं का आया, हम कंपेयर करते ना यार कहाँ कमी रह रही है, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर उसको सुधारेंगे, उसको करना हम लोग सीखेंगे, जिससे हम लोग यहाँ पर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहेंगे। वित्तीय विवरण ट्रेडिंग पैनल बनाना तो हम लोगों ने सीख लिए, पर उनका विश्लेषण एनालिसिस करना, उसके लिए क्या होगा, पिछले साल के भी वित्तीय विवरण होंगे और इस साल के भी होंगे, जिससे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण हम लोग करेंगे। और एक विश्लेषण की इसमें तीन चार टेक्निक, इस अलग अलग इसकी विधियां होती, कुछ विधियां आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, और एक विधि जो बिल्कुल अलग से डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है अनुपात विश्लेषण। अनुपात बनाना सीखेंगे हम लोग बेटा यहाँ पर, अनुपात बनाना हम लोग सीखेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वित्तीय विवरण होंगे उनकी सहायता से कुछ अनुपात हम लोग यहाँ पर बनाना सीखेंगे, उससे हम लोग बेटा ना अनुपात विश्लेषण कहेंगे। ये दो चैप्टर विश्लेषण के आप लोगों के रहेंगे। एक आखिरी चैप्टर जिसमें आप लोग लेखा शास्त्र में नैतिकता पढ़ोगे, इथिक नैतिकता, क्या सही है क्या करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी भी अकाउंटिंग हम लोगों को गलत नहीं दिखानी चाहिए, ये ऐसे अकाउंटेंट हमारी कुछ दायित्व बनते हैं, वो आप लोगों को यहाँ एक थ्योरी चैप्टर है जो पढ़ाया जाएगा, जिससे हम लोग लेखा शास्त्र में नैतिकता यहाँ पर पढ़ेंगे। ये 12 चैप्टर बेटा अपने को पढ़ने हैं और हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। देखो क्या है बेटा, देखो सबसे पहले तो हमने कहा कि बिजनेस करने के तीन रूप है, एकांकी व्यापार कर सकते हो, साझेदारी कर सकते हो और कंपनी कर सकते हैं। एकांकी व्यापार की अकाउंटिंग करना आप लोग लास्ट ईयर पढ़कर आए हो, इस साल तो अलग अलग बिजनेस के बारे में रीड करेंगे। एक साझेदारी के बारे में 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें साझेदारी का सामान्य परिचय आएगा, नए साझेदार का प्रवेश हो तो अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसे पढ़ेंगे, किसी साझेदार की डेथ हो जाए, वो रिटायर्ड हो जाए तो अकाउंटिंग कैसे होगी उसे पढ़ेंगे, साझेदारी का समापन हो मतलब साझेदारी को बंद कर रहे हैं तो अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसे पढ़ेंगे, कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, एक तो अगर शेयर इशू किए जाएं तो अकाउंट कैसे, शेयर होते क्या है, ऋण पत्र क्या होते हैं, आपने बीएसटी में थ्योरी में पढ़ा है, प्रैक्टिकली अगर ये शेयर इशू किए जाएं, डिबेंचर इशू किए जाएं तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी वो हम लोग पढ़ेंगे, और कंपनी में किस तरीके से वित्तीय विवरण लाइक ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कंपनी में कैसे, एकांकी व्यापार के तो आप 11वीं में बना चुके हो, साझेदारी के आप लोग बेटा इन्हीं चैप्टरों में पढ़ लोगे, और कंपनी के कैसे बनाने हैं उसको हम लोग एक डिटेल से अलग से पढ़ेंगे, या आधा 50% सिलेबस खत्म। फिर 6 चैप्टर में 3 अलग अलग बिजनेस हैं, उन बिजनेस के बारे में हम लोग बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग करना सीखेंगे, 3 बिजनेस जॉइंट वेंचर कर, सर ये क्या होते हैं, क्योंकि नाम आप पहली बार सुन रहे हैं तो अभी अपन डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम देख रहे हैं, चैप्टर से पढ़ेंगे तब डिटेल से डिस्कस करेंगे। जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग कैसे होगा, कंसाइनमेंट अगर कर रहे हो तो अकाउंटिंग कैसे होगा,
अगर आपका गैर व्यापारिक संस्था है, ऐसी कोई संस्था है बेटा जो कि बिजनेस नहीं कमाती है, वो अकाउंटिंग कैसे बनाएंगी, और अगर कोई सर्विस दे रहे हैं पेशेवर व्यक्ति, वो अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसको पढ़ेंगे। फिर दो चैप्टर वित्त विवरणों का विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब होता है पिछले साल और इस साल को, दोनों को देख कर ये एनालिसिस विश्लेषण करना कि हमने क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है, उसे पढ़ेंगे। और एक विश्लेषण की एक विधि, कुछ विधियां इस चैप्टर में आएंगी, और एक अलग से मेथड और है अनुपात विश्लेषण, जो बड़ा चैप्टर है इसलिए उसको एक अलग चैप्टर भी बनाकर दिया है, वैसे ये दोनों एक ही है हमारे लिए। फिर एक आखिरी में दो तीन पेज का एक थ्योरी चैप्टर है सिर्फ नॉलेज के लिए, कि अगर आप अकाउंटेंट बनते हो तो आपके क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपके क्या व्यवहार होने चाहिए जो आपको करने हैं, कभी भी गलत अकाउंटिंग आपको नहीं करनी, जिसे हम लोग लेखा शास्त्र में नैतिकता बोलेंगे। ये 12 चैप्टर आप लोग बेटा अपने फ्रंट पेज पर लिख लेंगे। हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना बेटा, वो रहेगा हमारा पहला चैप्टर, जिसे हम लोग साझेदारी का सामान्य परिचय बोलेंगे। तो बेटा हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे लिए साझेदारी का सामान्य परिचय। क्या कुछ रीड करना है इस चैप्टर में वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे, फर्स्ट चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय। मैं आज सिर्फ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना उसको व्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद बेटा हम लोग इसको कल से फिर डिटेल से शुरू करेंगे। साझेदारी के सामान्य परिचय वाले चैप्टर को अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करें ना बेटा, तो यहाँ डिवाइड करने के लिए हम लोग बेटा इसको कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ थ्योरी रहेगी जिससे हम लोगों को पढ़ना रहेगा, जिससे आपका थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा। सर थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है वो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी का अर्थ, फिर साझेदारी की विशेषताएं, फिर साझेदारी के प्रकार, फिर साझेदारी संलेख, और वेरी इंपॉर्टेंट वह उसके अभाव में लागू होने वाले नियम। ये चार क्वेश्चन बेटा हम लोगों को थ्योरी में रीड करने हैं, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट क्वेश्चन जरूर बनता है। थ्योरी में बेटा आपको साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार और साझेदारी संलेख में उसके अभाव में लागू होने वाले नियम हम लोगों को पढ़ने हैं। ये चारों टॉपिक हम लोग कल थ्योरी का लेकर इसको फिनिश हम लोग करेंगे। उसके बाद ना बेटा यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक सीखने होंगे, प्रैक्टिकल कुछ चीजें बनाना बेटा हम लोगों को सीखना रहेगा। और उसमें प्रैक्टिकल में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ना यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते, वैसे चालू खाते बेटा पूंजी खाते का ही पार्ट है, अलग से नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, पूंजी खातों में आप चालू खाते भी बनाना सीखते हैं। फिर लाभ हानि नियोजन खाता बनाना हम लोग सीखेंगे, और आखिर में इनसे रिलेटेड कुछ जर्नल प्रविष्टियां एक नंबर में कभी पूछी जाती हैं, उन जर्नल प्रविष्टि को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। वैसे देखो अकाउंट बाद में बनते हैं, एंट्रियां पहले होती हैं, पर अब 12th लेवल है, यहाँ एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट इंपॉर्टेंट है। पहले हम इन अकाउंट्स को बनाने सीखेंगे, उसके साथ हम लोग एंट्रियां सीखेंगे। तो चार चीजें बेटा आपके प्रैक्टिकल में आएगी। फिर हमारे लिए अगला कंटेंट रहेगा कुछ गणनाएं बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर सीखूंगा, कुछ कैलकुलेशन करना, गणनाएं कैलकुलेशन बेटा हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सर किस किस की गणनाएं सीखोगे? तो ना बेटा हम लोग यहाँ पर गणनाओं में एक
एक सीखोगे पूंजी अनुपात की गणना, पहले पूंजी अनुपात लिख रहे हैं, एक सीखेंगे बेटा हम लोग पूंजी पर ब्याज की गणना, एक कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे बेटा आहरण पर ब्याज की गणना, क्योंकि ये सब कैलकुलेट करेंगे ना तो जाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, और एक हम लोग सीखेंगे साझेदार कमीशन की गणना, साझेदारों के कमीशन की गणना, पार्टनर्स कमीशन की गणना। साझेदारों के कमीशन की गणना, तो अगेन चार चीजें बेटा हमारे लिए यहां गणनाओं में आएंगे, तो चार कैलकुलेशन बेटा हम लोग यहां पर सीखेंगे, पूंजी पर पूंजी अनुपात की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना और साझेदारों के कमीशन की गणना। और उसके बाद एक आखिरी पार्ट हमारे लिए रहेगा, उसमें अन्य में अधर दे रहा हूं, अन्य अधर में बेटा एक तो आप लोगों के लिए गारंटी की स्थिति में लेखांकन, ये क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे तब समझूंगा, गारंटी की स्थिति में लेखांकन, गारंटी की स्थिति में लेखांकन, और एक और पार्ट हमारे लिए रहेगा जिससे हम लोग कहेंगे कि फर्म, सर फर्म क्या होता है, साझेदारी जो बिजनेस करते हैं ना बेटा, कल हम थ्योरी में पढ़ेंगे उसे फर्म कहा जाता है, तो फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले व्यवहारों का अशुद्धि सुधार, अगर कोई गलती हो गई ना, जैसे आपने 11वीं में पढ़ा था बेटा अशुद्धि सुधार करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना, वैसे ही अगर व्यवसाय और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें अगर कोई गलती हो गई, कोई चीज ज्यादा दे दी, कम दे दी, नहीं दी, तो उनकी किस तरीके से अशुद्धि का सुधार करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ये टोटल मिलाकर ना बेटा आप लोगों को इस चैप्टर में रीड करना है। तो साझेदारी का सामान्य परिचय, ये हेडिंग डालकर आप ये चार्ट बनाएंगे हमारे लिए बेटा, चार पार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले थ्योरी में मैं चार चीजें पढ़ूंगा, साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार, फिर साझेदारी संलेख व उसके अभाव में लागू होने वाले नियम। प्रैक्टिकल में बेटा हम लोग चार चीजें बनाना सीखेंगे यहाँ पर, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते, लाभ हानि नियोजन खाता, जर्नल प्रविष्टियां हम लोग इनसे संबंधित करना सीखेंगे, चार गणनाएं सीखेंगे, पूंजी अनुपात की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना और साझेदारों के कमीशन की गणना। अन्य में बेटा हम लोग यहाँ पर दो चीजें सीखेंगे, एक आएगा बेटा हमारे लिए यहाँ पर गारंटी की स्थिति में लेखांकन, फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले व्यवहारों का अशुद्धि सुधार। ये चार्ट आपको बनाना है फ्रंट पेज पर, कल से मैं आपको शुरू करता हूँ टॉपिक वाइज, कल हम लोग इन थ्योरी टॉपिक को फिनिश कर देंगे, वन बाय स्लोट हम लोग करते चलेंगे। तो बेटा अच्छे से पूरा वीडियो देखना एक ही साथ लगकर, डेली इतना इतना थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा करीब हम लोग देखते चलेंगे तो भी हमारे लिए बहुत सारा काम हो जाएगा। और अपने बाकी के जो फ्रेंड्स हैं स्कूल के उनको भी आप इनको शेयर करें, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कैसा क्या समझ में आया वो कमेंट में देकर जरूर बताएं। और डेली मैं थोड़ा अर्ली आपको डाल दूंगा, आज थोड़ा सा इशू की वजह से नहीं डाल पाया, पर डेली रूटीन में हम लोग अर्ली इसको लेकर कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, रिमेनिंग हम लोग कल करें।